हेलो बच्चों, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एक्सक्रीशन की चैप्टर को। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किडनी में हमारे किडनीज जो है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, उनमें क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। वो होते हैं हमारे पेयर ऑफ किडनीज, यूरिटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। इन तीनों को मिलके उसे यूरिनरी सिस्टम यानी एक्सक्रीशन सिस्टम कहा गया है। और हमारे किडनी के अंदर जो मेड्यूलरी है, रीजन है, कॉर्टिकल रीजन है, उनके पार्ट्स, उनको हम लास्ट वीडियो में देखे। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन, विच आर दी फंक्शनल यूनिट्स। तो हमारे किडनी में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। सो एक पार्ट को हम नेफ्रॉन कहते हैं, और उस नेफ्रॉन जो है उसे हम किडनी के फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जो फंक्शन यूनिट्स की तरह काम करते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। तो हमारा जो नेफ्रॉन है उसका डायग्राम देखेंगे हम। तो इस पूरे जो डायग्राम है उसको एक नेफ्रॉन कहेंगे। तो हमारे एक किडनी में ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हमारे नेफ्रॉन जो है उनमें दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट? द ग्लोमेरुलस पार्ट एंड द रीनल ट्यूब्यूल पार्ट। तो ये जो है ग्लोमेरुलस पार्ट है, और ये जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसे रीनल ट्यूब्यूल कहा गया है। तो यहाँ से जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे रीनल ट्यूब्यूल कहा गया है, और जो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है उसे ग्लोमेरुलस कहा गया है। तो हमारा जो नेफ्रॉन है उनमें दो पार्ट होते हैं, एक है कप शेप ग्लोमेरुलस और दूसरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफेरेंट आर्टीरियोल, अ ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। तो हमारा जो जो रीनल आर्टरी है जो अंदर आ रहा है उसका एक ब्रांच, वो रीनल आर्टरी जो है बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, और एक एक ब्रांच, एक एक कैप्सूल यानी एक एक ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है और बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होता है। तो उस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है वो उसके साथ हम उसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये जो है ये है एफेरेंट आर्टीरियल, मतलब रीनल आर्टरी यहाँ है। तो ये देखिए कि ये किडनी है, रीनल आर्टरी आ रहा है, और रीनल आर्टरी बहुत सारे ब्रांचिंग करके एक एक नेफ्रॉन के लिए एक एक एफेरेंट आर्टीरियल देता है। और ये एफेरेंट आर्टीरियल जो है ये हमारे ग्लोमेरुलस के पार्ट में आकर बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं। तो इस कैपिलरी हमारे ग्लोमेरुलस के पार्ट है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाई एन इफेरेंट आर्टीरियोल। तो ये डायग्राम ही देखिए, तो ये अफेरेंट आर्टीरियोल अंदर आ रहा है, और ये बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होके ये ब्लड जो है, जब ये ब्लड बाहर जाता है ये एफेरेंट आर्टीरियोल की मदद से, एफेरेंट आर्टीरियोल की माध्यम से ये बाहर जाता है, ये ब्लड जो अंदर आ रहा है। तो एफेरेंट आर्टीरियोल क्या है? ब्लड अंदर आने का वेसल है। इफेरेंट आर्टीरियोल क्या है? वहां से ब्लड बाहर जाता है। ग्लोमेरुलस, ओके, ये हो गया है। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बोमन्स कैप्सूल व्हिच एनक्लोसेस द ग्लोमेरुलस। तो एक करेक्शन है, आप ध्यान से देखिए, ये इस स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, यहाँ से नहीं, इस स्ट्रक्चर जो अंदर जो कैपिलरीज, टफ जैसा कैपिलरीज फॉर्म हो रहा है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो आउटर पार्ट है, कप शेप पार्ट है, जो हमारे ग्लोमेरुलस को एनक्लोज कर रहा है यानी उसको कवर कर रहा है, उसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। तो ये
रीनल ट्यूब्यूल है ये कहाँ से शुरू होता है? ये कप लाइक बोमन कैप्सूल से शुरू होता है, विच इनक्लोसेस द ग्लोमेरुलस. द ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड एज द मैल्थेजियन बॉडी और द रीनल कॉर्पसल. तो ये क्या है? ये हमारा ग्लोमेरुलस पार्ट है, और जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है, ये बोमेंस कैप्सूल से हमारा रीनल ट्यूब्यूल जो है उस पार्ट का शुरू हो रहा है. तो मैं और एक बार बोलूंगी, हमारा नेफ्रॉन जो है उनमें दो पार्ट्स होते हैं. पहला है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस ये अंदर का पार्ट है. उसके बाद है रीनल ट्यूब्यूल्स, ये रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से शुरू होता है, हमारे बोमन कैप्सूल से शुरू होके ये सब को मिलके हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं. तो ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, उसको कंबाइन करके उन दोनों साथ में क्या कहते हैं? उन दोनों साथ में हम कहते हैं कि वो है मैल्पिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस. तो ये जो पार्ट है हमारे बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, उसको हम मैल्पिजियन बॉडी और वी कैन कॉल इट एज रीनल कॉर्पसल. इसका नाम है मैल्थेशियन बॉडी, इसका नाम दिया है. द ट्यूब कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो ये जो है, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल जो है, ये है स्टार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल. उसके बाद क्या होता है? एक हाईली कॉइल्ड पोर्शन आता है यहाँ यहाँ तक. तो ये इस हाईली कॉइल्ड पोर्शन को हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल मतलब प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी यानी आसपास, यानी नियर बाय, प्रॉक्सिमल. तो ये जो हमारे वोमन कैप्सूल के नियर बाय जो बेंडिंग्स रहते हैं, कॉन्वोल्यूशन रहते हैं, उसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. तो वोमन कैप्सूल के बाद ये आता है. A hairpin shaped Henle slope is the next part of the tubule which has a descending and an ascending limb. तो क्या हो रहा है? पहला है हमारा बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद आ रहा है हाईली कॉइल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेयरपिन शेप्ड ट्यूब्यूल आ रहा है, इसको हम हेनली स्लूप कहते हैं. ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा जो फिल्टर करके, यहाँ फिल्टर करके जो मटेरियल आ रहा है, ये ऐसे पास करके, ऐसे पास करता है, ये डिसेंडिंग हो जाता है, नीचे जा रहा है, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब हो जाता है, और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है तो ये असेंडिंग लिम्ब हो जाता है. तो ये है हेनली स्लूप. ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है उसे हेनली स्लूप कहते हैं. ये जो नीचे जा रहा है उसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और जो ऊपर जा रहा है उसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं. The ascending limb continues is another highly coiled tubular region called as the distal convoluted tubule. तो हमारे जो Henle's loop है, ये Henle's loop के बाद और एक coiled portion आता है. तो ये coiled portion को हम distal convoluted tubule कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा distance में रहता है, थोड़ा पास में नहीं बल्कि दूर में रहता है, तो इसे distance convoluted tubule कहते हैं. The distant convoluted tubule of many nephrons open into a straight tube called as the collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis through the medullary pyramids in the calyces. तो ये क्या बोल रहे हैं ना, हमारे जो distant convoluted distal convoluted tubule है, DCT है, ये बहुत सारे nephrons में क्या करते हैं, ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट जो है उसे ज्वाइन उसमें ज्वाइन करते हैं. ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होके ये हमारे रीनल पेल्विस में ओपन करते हैं मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर जाके. ये क्या होता है? तो ये कलेक्टिंग डक्ट ये मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर जाके फिर रीनल पेल्विस में ओपन होता है. तो आपको डायग्राम और एक बार देखना है, तो ये जो है, ये है हमारा रीनल पेल्विस इस रीजन में, तो ये है हमारा मेड्यूलरी पिरामिड. तो क्या हो रहा है, हम बोलते हैं कि ये बहुत सारे यहाँ नेफ्रॉन्स होते हैं,
तो यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट है ऐसे पास करके हमारे मेड्यूलरी पिरामिड, बहुत सारे लाइंस होते हैं ना वो ही है, बहुत सारी ये पास करके फिर ये रीनल पेल्विस जो है इस रीजन में ओपन होते हैं हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है डायग्राम, मैं और एक बार बोलूंगी सब रिवीजन जैसा, ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए कि हमारे नेफ्रॉन्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो द यूनिट फंक्शन यूनिट फंक्शनरी यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। ये हमारे एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, पहला है ग्लोमेरुलस जो हमारे आफेरेंट आर्टीरियल जो अंदर आ रहा है ये बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होता है और उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद वो जो सेकेंड पार्ट है वो है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल में बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है बोमेंस कैप्सूल, ये जो कप शेप फॉर्म कर रहा है उसे बोमेंस कैप्सूल, ये है पहला पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। उसके बाद जो कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी PCT। उसके बाद यू शेप्ड हेनलीज लूप आ रहा है जो डिसेंडिंग पार्ट है असेंडिंग पार्ट है उसके, ये दोनों के साथ, ये दोनों साथ साथ ये इसे हेनलीज लूप कहा गया है। उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन हो जाता है। तो हमारे रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट्स हैं? बोमन्स कैप्सूल है, उसके बाद PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद हमारा हेनलीज लूप है और हेनलीज लूप में डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है, उसके बाद हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रहा है। तो ये चार पार्ट हुए रीनल ट्यूब्यूल का। तो आज के लेक्चर के लिए ये बस है, इसके बाद हम देखेंगे कैसा हमारा एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट है ये बाहर निकाला जा रहा है और उस प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे।